मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सेकंड लेक्चर है हिंदी। लास्ट टाइम में हमने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें अभ्यास 1, 2, 3 और 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अभ्यास 5 से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अभ्यास 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें ये 4 वर्ड्स पढ़ने हैं, यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन। ओके, तो यहाँ और ये जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो चीज़ें हमारे नज़दीक है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ जो है वो एकवचन के लिए, ये जो है वो बहुवचन के लिए, वह और वे जो है वो हमसे जो दूर चीज़ें रखी हुई है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वह जो है वो एकवचन के लिए और वे जो है वो बहुवचन के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द यह और इस। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि एक लड़का दिया हुआ है। ओके, यह अरविंद है, तो ये कौन है? एक अरविंद है। इसके पास किताब है। तो दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि अरविंद के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? इसके पास। ओके, अरविंद के पास ऐसा नहीं, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके पास किताब है। तो हम कोई भी व्यक्ति के लिए अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम एक बार उसका नाम यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसके बारे में बोलना है तो इसका, उसका, ऐसा हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यही बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पिक्चर में यहाँ पे बटरफ्लाइज है, तो ये बहुवचन वाला है क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो एक से ज़्यादा दिए गए हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये तितलियाँ हैं, इनके पंख रंग बिरंगी है। तो तितलियों के लिए भी दूसरे सेंटेंस में हमने इनके वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद देखो ये कौवा क्या है? दूर है। तो उसके लिए हम वह यूज़ करेंगे कि वह कौवा है, और वह के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? उस। तो उसका रंग कैसा है? काला है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे पेड़ है, लेकिन कितने पेड़ है? 2 है। तो वे हो जाएगा वहाँ का, कि वे 2 पेड़ है। वहाँ पे कितने पेड़ है? 2। और वे के लिए हम यूज़ करेंगे उन पर बगुले बैठे हैं। क्या बैठे हुए हैं? बगुले बैठे हुए हैं। तो ये खास ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। यहाँ के लिए इस, ये के लिए इन, वहाँ के लिए उस, और वे के लिए उन। ओके, उसके बाद है अभ्यास 6, मैं, हम, तुम और आप। मैं यानी कि मैं, हम यानी कि एक से ज़्यादा लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, खुद के लिए तो हम, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम, और दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते तो आप। अगर एज वाइज आपसे बड़े हैं तो भी आप उसे आप ही बुला सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ये लड़का बोल रहा है कि मैं तुषार हूँ। इसका नाम क्या है? तुषार। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं कहाँ पे जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो खुद के बारे में बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? मैं। ये है दीपाली, वो भी खुद के बारे में बता रही है कि मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। दीपाली खुद के बारे में बता रही है, जिससे हम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़का है जिसके लिए हम विद्यार्थी यूज़ कर रहे हैं, और ये लड़की है जिसके लिए हम विद्यार्थिनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लड़का है तो विद्यार्थी और लड़की है तो विद्यार्थिनी। उसके बाद आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 3 लोग दिए हैं। तो हम अगर वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हम। ओके, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कितनी बार हम बोल रही हूँ। तो ओके, तो मैं अकेले के लिए नहीं, आपके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ जिसके लिए मैं हम यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमको इंग्लिश में हम वी बोलेंगे। ओके,
क्या बोल रही है लड़के कि हम लड़के हैं और हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भी लड़कियाँ दी हुई है जो एक से ज़्यादा है, तो हम लड़कियाँ हैं हम पढ़ती हैं। आप देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियाँ ये दोनों क्या हैं, बहुवचन शब्द है, क्योंकि लड़के और लड़कियाँ एक से ज़्यादा है जिसकी वजह से हम वर्ड यूज़ होता है। अगर अकेले के बारे में बताया जाता है तो मैं, और एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो हम। ओके, उसके बाद किसी और के बारे में बात करनी है, तो ये लड़की जो है वो ये लड़के के बारे में बात कर रही है। ओके, अभी तक क्या था कि खुद के लिए बात हो रही थी ना, अभी किसी और के बारे में बात करनी है, तो क्या बोल रहे हैं, तुम विद्यार्थी हो। ये लड़की क्या बोल रही है इस लड़के को कि तुम क्या हो, विद्यार्थी हो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, कि तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये लड़की जो है वो लड़के के बारे में बात कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम तुम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये लड़का जो है वो इस लड़की के बारे में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम विद्यार्थिनी हो, कि तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। तो यहाँ पे भी ये लड़का जो है किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तुम। ओके, यहाँ पे एक किसान है जिसके बारे में बात हो रही है, तो क्या बोल रहे हैं, आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। किसान जो है वो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट से एज में कैसे हैं, बड़े हैं, तो हम किसी भी बड़े व्यक्ति को आप कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पे किसान जो है उसके लिए हम आप यूज़ करेंगे कि आप किसान हैं और आप खेती करते हैं। उसके बाद है डॉक्टर, तो डॉक्टर भी एक अच्छी सी पोस्ट पे होते हैं, यानी कि अगर औदा अगर किसी का हमसे बड़ा है तो भी हम उसे तो मान दे के ही बुलाएंगे, यानी कि आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान और डॉक्टर के बारे में हमने आप संबोधन किया हुआ है। ओके, उसके बाद है अभ्यास 7, उसमें कौन कौन से वर्ड है, मैं, के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास। चलो, मैं मतलब ये मैं और ये मैं अलग है, ये मैं मतलब खुद के बारे में, यहाँ पे दो मात्राएं हैं ध्यान रखना, और ये मैं मतलब किसी के अंदर होना, के अंदर, अंदर, के ऊपर यानि कि किसी के ऊपर, के नीचे यानि कि किसी के नीचे, के पास यानि कि किसी के नज़दीक। ओके, ये जो है वर्ड आपने इंग्लिश में ऑलरेडी सीखे ही हुए हैं, मैं मतलब इन, के अंदर मतलब इन टू, के ऊपर यानि कि ऑन, के नीचे यानि कि अंडर, और के पास यानि कि नियर। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपने इंग्लिश में सीखे ही हुए हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक झार दिया हुआ है, झार के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर क्या है, मछलियाँ हैं। तो सेंटेंस क्या लिखे हुए है, ये मछलियाँ हैं। मछलियाँ कितनी हैं, एक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुवचन यूज़ किया गया है कि ये मछलियाँ हैं। मछलियाँ किस में है, तो मछलियाँ पानी में है, देखो यहाँ पे मैं यूज़ हुआ है। ओके, कि मछलियाँ पानी में हैं, ना ही पानी के ऊपर की साइड, ना ही पानी के नीचे की साइड, पानी के बीचों बीच है, तो मछलियाँ पानी में हैं। मछलियाँ झार के अंदर है, तो मछलियाँ किसके अंदर है, तो झार के अंदर है, तो इसलिए इन के अंदर यूज़ हुआ है। ओके, तो मैं और के अंदर में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए कि मछलियाँ किसके अंदर है, तो मछलियाँ झार के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि बुक रखी हुई है। ओके, तो वहाँ किताब है, किताब दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे वहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है। वहाँ किताब है, वह का मतलब होता है दैट, मतलब जो चीज़ दूर है। किताब मेज़ पर है, मेज़ मतलब टेबल। ओके, तो किताब जो है वो किसके ऊपर रखी गई है, मेज़ के ऊपर। किताब जो है वो टेबल से टच है। ओके, इसलिए उसके ऊपर यानी कि ऑन वर्ड यूज़ किया जा सकता है। किताब मेज़ के ऊपर है, किताब मेज़ के ऊपर रखी गई है। ओके, मेज़ पर
या के ऊपर, दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है, दोनों का मीनिंग ऑन द टेबल ही होगा होता है। ओके, यहाँ पे गाय दी हुई है, गाय क्या कर रही है, घास खा रही है, लेकिन वो कहाँ है, पेड़ के नीचे है। तो यहाँ गाय है, ये गाय है, एक सिंगल ही गाय है, तो यहाँ पे एक वचन है, गाय पेड़ के नीचे है, किसके नीचे है, पेड़ के, गाय क्या कर रही है, तो गाय घास खा रही है, तो यहाँ पे के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे। उसके बाद यहाँ पे दो बच्चे हैं, क्या कर रहे, खेल रहे हैं। यहाँ पे स्कूल दी गई है, तो वहाँ पाठशाला है, पाठशाला बच्चों से दूर है इसलिए वहाँ यूज़ किया गया है। पाठशाला के पास पेड़ है, पाठशाला के पास क्या है, पेड़ के पास यानी कि नियर, नज़दीक में है, और पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे, के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया है, इसलिए मैं अंडरलाइन भी करती जा रही हूँ। तो आपका आज का होमवर्क है अभ्यास 5, 6, 7 और ओके 5, 6, 7 आपको नोटबुक में लिखना है ये सारे सेंटेंस। ओके, कितने टाइम लिखने हैं, ओनली 1 टाइम ही लिखने हैं, और आपको घर से ये रीड भी करना है और वीडियो एक बार देख के अच्छे से समझ लेना है। ओके, थैंक यू।